कैसे हैं आप सभी। एंड आज मैं जयपुर पहुंचा हूँ जस्ट अभी, और इस टाइम वही टाइम बज रहे हैं 9:35, और काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे क्योंकि रास्ते में पूरे रोड वगैरह बंद थे, तो इस वजह से काफ़ी मतलब टाइम से नहीं पहुंच पाया मैं। सो आज वही पहला दिन है यहाँ पर पहुंचा हूँ। मेरा एक दो दो तीन दिन का स्टे है यहाँ पे, एंड इस टाइम अपने रूम में हूँ। आप लोग बाकी रूम देख ही सकते हो, काफ़ी सही है रूम, मतलब अच्छे रूम का भी बिल्कुल सही पड़ गया मेरे को रूम। वैसे ही ओयो का 50% का गिव अवे चला हुआ था, तो इस वजह से मुझे ये रूम अच्छा पड़ गया काफ़ी सही। और बाकी ब्लोअर तो मैं अपना ही लेके आया था घर से, ताकि थोड़ा सा हीट मैनेजमेंट रह सके, वैसे इतनी सर्दी थी नहीं यहाँ पे। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा डिसेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं रियल टाइम पर टॉक नहीं करने वाला हूँ वीडियो में पूरी, मैं अपना वॉइस ओवर करूँगा बाद में, क्योंकि आई थिंक बहुत रश वगैरह होगा पब्लिकली। तो भाई आज मेरा पहला दिन है। अभी कल का जो मेरा प्लान सेटअप है वो है यहाँ का जो नियर बाय, जैसे कि जल महल, हवा महल, यहाँ पे एक वैक्स स्टूडियम भी है, स्टूडियम नहीं सॉरी स्टूडियो है यहाँ पे नियर बाय। एक वैसे स्टूडियो तो आई थिंक नाहरगढ़ फोर्ट पे भी है, बट वो सेम ही है, कोई खास फ़र्क नहीं है। एंड आपका जो यहाँ पे हवा महल के साथ एक आपका वो पड़ता है जंतर मंतर, एंड देन सिटी पैलेस, कल वो सब घूमने वाला हूँ मैं। और कल का दिन मेरा वो रहेगा, और उससे अगले दिन पे जो मेरे तीन मेन फोर्ट है वो घूमूंगा। फिलहाल भाई अभी तो मेरे को आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद, तो मैं भी सो रहा हूँ। एंड आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं सिटी पैलेस, आज जहाँ भी मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। ये है बादल झील, ये राजा महाराजाओं के टाइम की 250-300 साल पुरानी झील है। ये जो देख रहे हैं ना सामने, ये बादल महल, ये जो सामने बाउंड्री देख रहे हैं, ये है बादल महल। पहले तो इसके अंदर बोटिंग हुआ करती थी, राजा महाराजा लोग 250-300 साल पहले बोटिंग किया करते थे। अभी इसके अंदर बोटिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि 6 साल पहले पूरा सूख गया था। अच्छा, 6 साल पहले? हाँ जी, 6 साल पहले पूरा सूख गया था। सूखने के बाद इसके अंदर कोई पानी नहीं भरा था। पानी इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि सूखने के बाद राजा महाराजा लोग बचे नहीं थे। राजा महाराजा लोग बचे थे, पर सबका बोरिंग लगता था कि यहाँ पे बोटिंग करना बहुत बोरिंग लगता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद 4 साल पहले जयपुर में इतना तेज बारिश आया था, उस तेज बारिश के कारण इसके अंदर पेड़ पौधे उग गए और पानी भर गया था। 4 साल उससे पहले तो बच्चे लोग क्रिकेट खेला करते थे, पूरा ग्राउंड था। अच्छा। हाँ जी, मतलब सामने झंडा देख रहे हैं, पीछे आ जाइए झंडा। अच्छा, यहाँ जाते वो जो सामने जो दो झंडे दिख रहे हैं आपको, एक छोटा और एक बड़ा, ये राजाओं के झंडे, ये कोई इंडिया का फ्लैग झंडा नहीं है, ये 5 कलर का झंडा है। अच्छा अच्छा। पहले राजा महाराजा लोग का पता ऐसे चलता था, जैसे आप एक झंडा देख रहे हैं ना, उसके ऊपर एक और झंडा लगा हुआ। अगर एक झंडा होता था तो राजा महाराजा लोग नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। अगर दोनों होते थे तो राजा महाराजा लोग सिटी पैलेस के अंदर होते। अच्छा अच्छा। सिटी पैलेस को 3 भागों में बांटा गया, सिटी पैलेस म्यूजियम, चंद्र महल और रानी का म्यूजियम। महारानी गायत्री देवी का फैक्ट्री है, म्यूजियम है, मार्केट है, जहाँ पे यहाँ का जो फेमस आइटम होता है ना जयपुर का, वो बनता है और सेल होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, महारानी मार्केट बोलते हैं उसको, महारानी मार्केट। हाँ जी, टूरिस्ट बाजार से बचने के लिए वो महारानी गायत्री देवी ने स्टार्ट किया था महारानी मार्केट, जहाँ पे यहाँ का फेमस आइटम बनता है और सेल होता है। जैसे 100 ग्राम का रजाई, महारानी साड़ी, सूट, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ बनती है और सेल होती है। ओके, इस जगह का नाम क्या होता है भाई? बादल झील। बादल झील, ओके। सो वही डायरेक्ट बादल झील के बाद अभी मैं चला गया था श्री राधा गोविंद मंदिर में, जो कि आपको दिख रहा है। तो खास वहाँ महारानी मार्केट में कुछ था नहीं, जितना भी वहाँ सेल परचेज था सब कुछ टोटली कॉस्टली था। एंड जो भी चीज़ें वहाँ पर आपको अगर मैं दिखाता या फिर आप कभी जाते हो देखते हो तो वहाँ से लेना मत, क्योंकि वहाँ पर आपको खास दिखाएंगे एक रजाई जो एक अंगूठे के बीच से निकल जाती है ना, नॉर्मल सी रिंग होती है, उसके बाद एक चप्पल जो पूरी मुड़ जाती है, समथिंग ऐसे बहुत सी चीज़ें बताएंगे, लेकिन लेना मत कुछ भी, क्योंकि वो सारा का सारा बहुत महंगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। तो वहाँ पर मैं गया था, खास वहाँ कुछ था नहीं वैसा, इसलिए मैंने उसको दिखाना भी सही नहीं समझा, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी वैसे ही बंद कर रखा था उन्होंने। तो भाई उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था, ये जो अपना श्री राधा गोविंद मंदिर है यहाँ पर बहुत ही अफरा तफड़ी मची हुई थी। तो जैसे मैं आराम से चला हुआ था तो मुझे लोगों ने बोला कि जल्दी जा यार, जल्दी जा, बंद होने वाला है। तो तकरीबन 8:30 समथिंग का टाइम था जिस टाइम मैं यहाँ पर आया था, तो ये बंद होने वाला था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही यहाँ पर पर्दे बंद हुए ना भगवान के मंदिर के, तो मुझे दर्शन हो गए थे। आई थिंक कैमरे में आपको हल्का सा दिखाई देगा, जैसे ही पर्दे क्लोज होने वाले होंगे आपको हल्का सा
हल्का सा दिखाई देगा अभी इस टाइम कि यहाँ अंदर भगवान की हल्की सी मूर्ति मुझे दिखाई दी थी, बिल्कुल हल्की सी है, पर्दे क्लोज हुए लेकिन मुझे भगवान दिख गए थे, तो वो मेरी किस्मत अच्छी थी। सो भाई ये था श्री राधा गोविंद मंदिर। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया भगवान का चेहरा और फिर वहाँ से मैं वापस हो गया। तो वापस गया यहाँ पर जल्दी में कि कहीं कोई मेरे जूते ना उठा ले, तो जहाँ पर शूज़ खोल रखे थे वहाँ पर गया मैं शूज़ वगैरह पहने। उसके बाद अभी यहाँ पर आपको मार्केट है, यहाँ पर छोटा सा मार्केट है, उस मार्केट में मैं गया तो छोटा मोटा मैंने सामान खरीदा था वहाँ पे अपने घर में मम्मी के लिए, जो मेरे लड्डू गोपाल एंड समथिंग माता के लिए एक छोटा सा बैग वगैरह, तो काफ़ी मतलब सस्ता ही सामान था, काफ़ी यहाँ पे ऐसा महंगा नहीं था कि जो चीज़ आपको अगर महारानी मार्केट में सेम चीज़ लेते हैं ना आपकी, यहाँ मैं वो बैग ले लूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, वहाँ आपको 100, 150, 200 रुपये बताते, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये छोटी छोटी चीज़ें 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, टोटल मैंने 100-150 का सामान लिया और काफ़ी ज़्यादा सामान आ गया था यहाँ पे। मतलब कोई भी चीज़ थी और अच्छी चीज़ थी, क्वालिटी भी सही था हर एक चीज़ का, तो भगवान के लिए ले रहे तो सही लेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कल को यहाँ जाते हो तो बेफालतू के पैसे मत खर्च करें आप लोग यहाँ पे जाके, इसलिए आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ। एंड शुरू में जो आपको बता रहा था ना उसके तालाब के बारे में सब कुछ कि ऐसा था यहाँ पे रानी आती थी बोटिंग होती, वो गाइड मैंने वहाँ पे मुझे सुबह सुबह ही बंदा मिल गया कि सर 100 रुपये देना बंदे को आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन यहाँ पर गाइड लेना मत। एंड गाइड क्यों मत लेना अभी आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा वॉइस ओवर में बता दूंगा। तो ये रही भाई मार्केट, यहाँ पे तुलसी की मालाएं एंड छोटे छोटे बैग्स, लड्डू गोपाल के लिए बेड बिस्तर सब कुछ था यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि राधा कृष्ण जी का ही मंदिर है तो यहाँ पे सब कुछ था और सस्ता था। जो सामने ये जो मार्केट आपको दिखाई दे रही है, तो मैंने इस बंदे से सामान लिया था क्योंकि ये बंदा मेरे को जेन्यून लगा था यहाँ पे, ना इसने मुझे बुलाया ना कुछ। जो आपको पर्स दिखाई दे रहा है, मैंने एक पर्स मामा के लिए भी ख़रीदा था एंड ये इसका आउटिंग है यहाँ पे अभी मंदिर का, ताकि आपको नाम दिखा सकूँ मैं, उस टाइम शुरू में तो नहीं दिखा पाया था जब यहाँ पे मंदिर की क्लोजिंग होने वाली थी, तो किसी ने चेक भी नहीं किया, मैं ऐसे ही घुस गया था। एंड इसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं अभी मैं यहाँ से आगे फरार होने वाला हूँ जो अपना जल महल है उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक म्यूज़ियम में गया था, अभी म्यूज़ियम में पहुँच जाऊँगा थोड़ी ही देर में यहाँ से। एंड अभी आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। सुन बाबू, उस बंदे को लेके आए अभी सिटी पैलेस के लिए। उसने बोल कुछ पता नहीं नंबर को लिया। अरे जंतर मंतर भैया आ जाओ, जंतर मंतर के मारे आ जाओ। उसके बाद हाथ से कुछ के बाद साबुन और पानी। हां जी भाई अभी जैसे ही मैं यहाँ पे म्यूज़ियम में पहुँचा, यहाँ पे तकरीबन हमारी 500-500 रुपये समथिंग टिकट लग गई थी यहाँ पे। एंड काफ़ी टिकटें काफ़ी मतलब सही थी, महंगी भी थी, कॉम्बो भी थे यहाँ पे अलग अलग चीज़ के लिए, हर एक अलग अलग चीज़ था। सो भाई ये सिस्टम था यहाँ पे पूरा, तो वो आप पे डिपेंड करता था कि आप कॉम्बो लेना चाहते हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम था, हॉरर हाउस था और बाकी तो अभी आप सुन ही लोगे क्योंकि इस वीडियो में छोटा मोटा वॉइस है, यहाँ पे कुछ खास बताने लायक है नहीं है। बाकी मिरर मेज था, इन्फिनिटी रूम था, वो आप सभी को वीडियो दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहुँचते सबसे पहले तो फोटो खिंचवाते हैं बंदों के, बोले फ़ोटो खींच लो, फिर फ़ोटो वैसे अगर आपके पास अपना कैमरा है ना तो अपने कैमरे में फ़ोटो खिंचवाना एंड उसके बाद वो फ़ोटो आप लोग खुद निकलवा लेना, क्योंकि बहुत ही महंगे थे यहाँ फ़ोटो, 100-100 रुपये लिया इन्होंने एक एक फ़ोटो का। तो ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ़ोटो कितने का है, कैसा फ़ोटो है, लेकिन क्वालिटी फ़ोटो का सही था, कोई उसमें इशू नहीं था, बट आप लोग ये चीज़ मत करना ताकि आपके पैसे बच सकें। और यहाँ पे स्टूडियो में जैसे मैं घुसा तो यहाँ पे ये लड़की दिखाई दे रही है आपको, यही मुझे तो यहाँ पे गाइड कर रही थी, ये ऐसा ऐसा वैक्स है, ये समथिंग, ये इसका वैक्स है, ये इसका वैक्स है, कुछ भी। तो अभी आपको खुद इस वीडियो को एंजॉय करो एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या सिनेरियो रहा पूरा। अच्छा साथ चल तू पीछे पीछे। Jackie Chan, Salman Khan.
हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, इससे मिला हूँ मैं 3 बार, ले में मिला हूँ 2 बार, इससे मिला हुआ शिमला में, वहाँ पे आया था एक ग्लेशियर में। ये कौन है? सभी का फेवरेट है। ये तो अपना फेवरेट है। सो भाई ये बंदा भी है नहीं, एक्चुअल में रेसर था, इसकी सारी मूवीज देख रखी है। ओके आप देख सकते हैं। तो मैं अभी मिरर मेज में था इस टाइम खड़ा हुआ, एंड यहाँ पे काफ़ी बंदे खज्जल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था एग्जिट करने के लिए, कोई कहीं घूम रहा था कोई कहीं घूम रहा था। तो पहले तो मैं एक बार देखते हुए आगे गया कि एग्जिट कहाँ से हो सकता है, तो एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं लास्ट में पहुँचा तो मैंने तो गेस कर लिया था कि एग्जिट यहीं से। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट बारी में ही जैसे मैं वहाँ से जहाँ से लेफ़्ट लेना था ना, मैंने वहाँ से राइट ले लिया एंड मुझे रास्ता मिल गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ से आउट होके फिर मैं घूम के आया एक बारी देख के कि इस एग्ज़िट के बाद वहाँ इन्फिनिटी रूम था, तो मैं घूम के आया एक बारी कि अभी मैं कहा मैं वीडियो शूट करता हूँ। फिर मैं सेकेंड टाइम आया तो सेकेंड टाइम भी थोड़ा सा ना ऐसे मतलब बिल्कुल पजल सा लग रहा था, लेकिन यहाँ से मैं निकला, काफ़ी बड़ा था ये। उसके बाद इन बंदों को सभी को मैंने एग्ज़िट दिखाया यहाँ से, मैं कहा भाई यहाँ से एग्ज़िट है एंड इन्फिनिटी रूम में गए। उसके बाद मैं गया था हॉरर हाउस में यहाँ पर। इसका एग्जिट अरे इसका एग्जिट है नहीं शायद। इसका एग्जिट मुश्किल ही है। एग्जिट नहीं है इसका।
एग्जिट नहीं है इसका शायद, सारे क्लोज ही हैं यहाँ पे, मैं सारे देख लिए, पता नहीं एग्जिट कहाँ है। हेलो भाई, भाई जी यहाँ पे आओ, भाई यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इन्फिनिटी रूम, इन्फिनिटी रूम, ये एग्जिट यहाँ पे, इधर एग्जिट ब्रो, आ रही आ रही। ओ भाई देख, देख इधर मुंडी है वो, हाँ यही है, चल देख मुंडी, देख जो भाई, ये था वो टाइम जब मैं हॉरर हाउस में घुस चुका था, एंड यहाँ पे कुछ इतना डरावना तो था नहीं मेरे लेवल पे, लेकिन मुझसे पहले जो बच्चे वो भी लोग गए थे वो काफ़ी डर रहे थे, मेरे बाद काफ़ी गए वो डर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे डरावना सीन था वो था जब वो बैट से आते थे ना उड़ते, आई थिंक डुप्लीकेट ही थे वो, मतलब आर्टिफिशियल बैट से, तो वो टच करके निकलते थे तो थोड़ा सा ना कई बार कट वगैरह लग जाता है उनसे साइड में स्किन के चेहरे वगैरह पे, तो थोड़ा ध्यान रख के अंदर जाना पड़ता है। और जितने भी यहाँ पर ये जो इन्होंने पुतले पागले बना रखे थे तो कुछ ऐसे रियलिस्टिक भी लग रहे थे कि हाँ यार कुछ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा डरने का कोई जरूरत मुझे लगा नहीं कि मुझे डर लगता है यहाँ पर, तो मुझे तो बिल्कुल डर लगा नहीं था, बट मैं टोटली इन्जॉय कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये था कि लाइट नहीं जलाना भाई, अंदर फ्लैश लाइट मत ऑन करना, बट बाद में मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए फ्लैश लाइट ऑन करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा सकें, ताकि आप इन्जॉय करो इस वीडियो को। सो भाई अभी आपको जो जगह दिखाई दे रही है वो है जल महल, और काफ़ी ही खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा था भाई ये। एंड यहाँ से आपको जो अपने आमेर फोर्ट वगैरह ना जो ऊपर जयगढ़ वगैरह एंड समथिंग वो फोर्ट दिखाई देते हैं, यहाँ से बिल्कुल सही दिखाई देते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह तो थोड़ा दूसरी साइड चला जाता है आमेर वगैरह, लेकिन यहाँ से आपको ऊपर फोर्ट दिखाई देगा सामने, अगर आप पीछे मुड़ के यहाँ पे दिखाई देखें तो काफ़ी उसका जो एजिज बन रखे हैं पूरा दिखाई देता है फोर्ट का यहाँ से। एंड सबसे मेन बात यहाँ पर जो जो महल है ना बना हुआ बीच में पानी के, तो रानी वगैरह यहाँ पर कभी रहती थी अपने टाइम पर, तो ये पानी के बीचों बीच में है, एंड यहाँ से किश्ती वगैरह से जाती होंगी कभी अपने टाइम पर, लेकिन यहाँ पर तो चलो खैर कोई बंदा जा नहीं रहा था किश्ती वगैरह से। एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचोगे तो आपको बंदे मिल जाएंगे, ये जो जितना भी सामान लटका रखा ना भाई ने पहन भी रखा है कि नहीं ये कपड़े वगैरह, तो आपको बोलेंगे भाई फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, तो कपड़ों में आपके DSLR लेके आएंगे अपने, आपके फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे समथिंग, वो पैसे लेते हैं 50 रुपये लेते हैं समथिंग एक फ़ोटो निकलवाने का। तो भाई मैं जब मैंने फ़ोटो खिंचवाया था तो मैंने तो उसको भाई बंदे को 40 रुपये दिया था एक फ़ोटो को, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं ना भाई तो आई डोंट थिंक कि आपको ये कपड़े पहनने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि यादगार चाहिए तो कपड़े ले लो बेशक, लेकिन फ़ोटो भाई
खुद खींचना या उनसे फ़ोटो खींच के ले लेना अपने फ़ोन में। बट अगर आप उनसे फ़ोटो खींचवाएगा तो वो बोलेंगे भाई निकालने पड़ेंगे आपको फ़ोटो, फिर वो फ़ोटो निकाल के देंगे जो क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है भाई, क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है उन फ़ोटोज़ की। तो कोशिश ये करना आप जाओ और यहाँ पे अपना फ़ोटो खुद खींचो एंड छोटा मोटा इन्जॉय करो और यहाँ से निकलते बनो, क्योंकि इतना ही फ़ायदा रहेगा आप लोगों को यहाँ पर। बाकी पीछे जूस वगैरह मिलता है वो पियो। तो भाई ये था यहाँ पर आपका जल महल जो था, टोटली इतना सा था जल महल, और यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री है बस। हाँ, यहाँ से आने का रास्ता जो है ना बना, वहाँ से आना और वहीं से बाहर जाना, नहीं तो यहाँ पे एक गार्ड बैठा है वो बहुत डांटता है, और पुलिस वाले भी यहाँ पे साथ में रहते हैं। सो भाई अभी आपको जो जगह दिखाई दे रही है वो है जंतर मंतर, एंड ये भी राजा का डैम का बनाया हुआ था यहाँ पे भी। एंड जो जंतर मंतर का मेन कॉन्सेप्ट था ना भाई, वो था मतलब समय से रिलेटेड थी ये चीज़ें, मतलब टाइम देखना, भौगोलिक विज्ञान, फलाना ढींगड़ा, जो भी मतलब आप बोल सकते हैं, समय से परे, आकाशवाणियाँ, वो सो मतलब उससे रिलेटेड रहता है जंतर मंतर, वो तो आप सभी को पता है। एंड यहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए ना, जैसा नाम है ना जंतर मंतर, वैसे मतलब बहुत यूनिक सा लगता है इनको देखना, क्योंकि जहाँ से देखो सेम सेम दिखाई देगा। एंड मतलब ये दिशाएं पता करना वो सो आपको पता ही है यार, अभी जो ये चीज़ें बनी थी तो सभी ने बचपन में पढ़ रखा जंतर मंतर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस लिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो को भी थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया था ताकि ये थोड़ा छोटा हो सके। एंड जब यहाँ पर मैं गया तो मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, एंड जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ना आपको, काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर मैं जब एंटर हुआ तो तकरीबन 50 रुपये मेरी एंट्री फ़ीस थी, जितना मुझे अभी याद है, क्योंकि ये ब्लॉग मैं काफ़ी देर के बाद डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं गया तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा यहाँ पर था वो ये था, जो भी आपके सामने है सबसे बड़ा यही था यहाँ पर, ये खंभा सा क्या है ये, एंड इसके अंदर जाना मना था नीचे, लेकिन कुछ लोग थे जो रूल्स को तोड़ के अंदर जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि इलीगल काम नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं चला जाता शायद कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता। तो मेरी किस्मत कुछ ऐसी है, जब भी गलत काम करता हूँ तो फंस ही जाता हूँ मैं। तो वही यहाँ पर जब थोड़ा बहुत घूमा फिरा मैं, उसके बाद यहाँ पर एक मार्केट होगी साइड में ही ना, जैसे जहाँ से आपने एंट्री की थी वहीं पे छोटा सा एक दुकान ठेला टाइप समथिंग ऐसे बना रखा बंदे ने, खाने पीने का सामान वहाँ पे भी मिल जाता है आपको, तो आप लोग वहाँ पे भी खा पी सकते हो और यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, यहाँ कोई ऐसा रोकेगा टोकेगा नहीं आपको कि। बट हाँ, शर्त एक ही, बैठना इन स्टूल्स के ऊपर, ये जो चीज़ें बन रखी है ना ये जंतर मंतर की, यहाँ पे मत बैठना क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले गार्ड वगैरह काफ़ी है, तो वो लोग काफ़ी डांटते हैं यहाँ पे अगर आप लोग वैसे बैठोगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके आपको एक चीज़ दिखाई देगी, जो भी आपकी राशियाँ हैं उनके एक यहाँ पे अलग अलग से कुछ स्टैचू टाइप समथिंग ऐसा बना के रखा है इन्होंने। वही टाइम, टाइम का था है, टाइम कैलकुलेशन का मशीन, पर कुछ नहीं खास। वहाँ जाएंगे कल हम, वहाँ सामने वीडियो शूट करने के लिए फोटो खींचता हूँ। सो भाई अभी आप देख सकते हैं जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं ना ये राशियों से रिलेटेड है, जितनी भी राशियाँ उनके अलग अलग आकार कलाकृति समथिंग उनकी दिशाओं को देख के सीढ़ियाँ पौड़ियाँ पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो मैं तो काफ़ी फ़ोटो खींचे थे अपने, जो मेरे वाला राशि है उसके साथ यहाँ पे, तो काफ़ी बंदे यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा किस्मत सही था कि जैसे मैं पहुँचा यहाँ पे कोई था नहीं तो मुझे वीडियो शूट करने का सही मौका मिल गया। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे बच्चे काफ़ी, आंटी वगैरह, आई थिंक आंटी की ही राशि होगी जहाँ पर ये खड़ रखी है। तो इसके बाद थोड़ा सा आप ये देख सकते हो ये जो बन रखा है कोई त्रिकोण आकार सा, ये सब के सब सूरज के दिशा पता करने के लिए समथिंग इसके लिए बने हुए थे। तो यहाँ पर जो ये चीज़ आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है भाई, बहुत ही अच्छी थी देखने के लिए, और इसको देखकर ना कोई इल्यूजनिस्टिक सा लग रहा था। और सामने आप लेफ्ट में सामने देख सकते हैं कुछ चपटा सा तवा टाइप बन रखा है, इसको आप जिस भी साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल सीधा ही दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे आपकी साइड ही घूम रखा है, 3D टाइप था समथिंग ये बिल्कुल।
सो भाई जंतर मंतर में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी थी तो वो ये थी, अभी जहाँ आपको मैं ले जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ भाई सबसे तगड़ी चीज़ मेरे को ये लगी थी यहाँ पे। मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे कुछ अलग सा ही लगता है इसको देख के, जब आप इसको लाइव देखोगे ना तो कुछ आपको अलग सा ही दिखाई देगा कि क्या चीज़ बना रखी है, मतलब बिल्कुल अलग सा लगता है इसको देख के। सो भाई ये था आपका जंतर मंतर। सो भाई अभी आप देख रहे हैं सिटी पैलेस, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी शान है, जंतर मंतर के साथ में ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर एंट्री फीस भाई मेरी लगी थी 100 रुपये, यहाँ पे डिफेंस कोटा स्टूडेंट कोटा समथिंग अलग अलग आपको बताएंगे। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब आप यहाँ पर पहुँचोगे टिकट लो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाओ आप, लेकिन कोई भी गाइड यहाँ पे यूज़ मत करना। तो मैंने यहाँ पे जो गाइड लिया था वो था ऑडियो गाइड, और उसका मैंने तकरीबन 100-150 रुपये मरवा दिया था बेफालतू में। आप जाओ फ़ोन दे देंगे आपके पास एक, उसको पकड़ के सुनते रहो कहानियाँ कि आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे कपड़े थे, ये महाराजा अक्साई के कपड़े थे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और ये आपको सामने ये वकील टाइप दिख रहे हैं ना कोट पहने हो भाई लोग, ये भी इनका भी यही काम है, बोले सर 100 रुपये दे दो, सर 150 रुपये दे दो, हम आपको पूरा घुमा देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, चुपचाप यहाँ से एंट्री लो और यहाँ पे एक एक चीज़ का आपको पता लग जाएगा, बस अंदर जाके एंजॉय करो। अभी ये भी बीच में एक ब्लॉक है, इनके मैं नाम भूल चुका हूँ, तो इस ब्लॉक में काफ़ी अच्छा देखने के लिए। यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा लगा जो सिटी पैलेस में था, जहाँ की शूटिंग नहीं करने देते हैं, मैं अंदर गया और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें यार, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें गन्स पड़ी हैं इनके टाइम की, राजाओं के टाइम की, 8-8, 10-10 फुट लंबी बंदूकें यार भाई। अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे ना आप बोलेंगे वो इंसान थे कि जानवर थे जो इनको उठा के यूज़ करते थे, तलवारें। और सबसे तगड़ी चीज़ मेरे को जो यहाँ पर लगी वो थे डैगर, अलग अलग किस्म के चाकू छुरियाँ भाई, मतलब हर कुछ मस्त चीज़ें थी। तो यहाँ पे अंदर जाकर जो मैंने देखा था यहाँ पे, लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है भाई यहाँ पे कोई भी गाइड यूज़ मत करना। मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो सके कि यहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये बेफालतू के पैसे खर्चे, गाइड वाइड के पैसे मत बिल्कुल भी मत खर्चना, गाइड के लिए पैसे बिल्कुल भी। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है बीच का ब्लॉक था, और ये मतलब आखिरी था, तो इनकी टाइमिंग है यार भाई, हर एक जंतर मंत्र से लेकर हर एक चीज़ की टाइमिंग है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। जल महल तो खुला रहता है, खैर इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा। सो भाई अभी जहाँ पर मैं ये रिक्शा की राइड ले रहा था, तो ये जा रहा था मैं अभी हवा महल के लिए, जो कि सभी ने नाम सुन रखा है और काफ़ी अच्छा भी है भाई हवा महल देखने में। तो भाई अभी वीडियो एंडिंग होने वाली है, तो उससे पहले आपको कुछ मैं चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर गाइड यूज़ मत करना जयपुर में जाके, बिल्कुल भी गाइड मत यूज़ करना, बेफालतू आप अपने पैसे मरवा दोगे। कोई बात नहीं, गूगल सभी के पास है, गूगल में या फिर बंदों को पूछ पूछ के भी आप जा सकते हैं। बहुत छोटा सा ब्लॉक है आपका, सिटी पैलेस, आपका हवा महल और आपका जंतर मंतर, भाई सभी का सभी एक ही जगह पर है, बस आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आप सामने देखोगे तो आपको वहाँ पे सिटी पैलेस दिखाई देगा, उसी के लेफ्ट में आपको जंतर मंतर दिखाई देगा, और जहाँ से मैंने गेट आउट कर रखा ना जंतर मंतर के भी लेफ्ट से गेट जाएगा, वहाँ से गेट आउट करके आपको बस राइट टर्न लेना है। अभी इस गेट के पास इस रिक्शा वाले ने मेरे को उतार दिया, यहाँ से भाई मैं पैदल गया, राइट साइड आपको दिखाई दे रहा भाई हवा महल है पूरा, इसी के राइट साइड बहुत बड़ा हवा महल है। हवा महल में पहुंच के आप फिर वहाँ पे टिकट वगैरह लो, अभी जैसे मैं गेट के पास पहुँचूँगा आपको दिखा दूँगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ मत हायर करना। और गाइड के बाद मुझे एक रिक्शा वाला टकरा था, जो कि मेरे को लेके गया ऑटो वाला वहाँ पे हवा महल जल महल लेके गया, उसने मुझे बोला भाई मैं 200 रुपये में तुझे पूरा घुमा दूँगा, आप मेरे साथ आ जाओ। वो सरकारी गाइड था, तो वहाँ पे उसको भी मैंने सीधा किया, थोड़ी सी मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे, तो पुलिस वालों ने उसको बहुत बजा कर ठोका था। तो भाई उसने कुछ नहीं किया, मैं जल महल पहुँचा, फ़ोटो शूट कर रहा था, बोले भाई चलो चलो चलो, उसने बहुत तंग किया, तो उसको तो मैं बजा के आया हूँ वहाँ पे, दबा के बजा के आया हूँ। तो भाई जयपुर में डरने की ज़रूरत है नहीं है, टूरिस्ट की बहुत सुनी जाती है, तो पुलिस वालों ने मेरा काफ़ी साथ दिया था वहाँ पे। एंड गाइड वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना, नहीं तो आप अपने पैसे फंसवा दोगे बिल्कुल ही, मतलब पैसे बर्बाद, टोटल पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे जाके आपको कि आप गाइड ले लो, ऑडियो गाइड ले लो, कुछ नहीं है, आप जाओ नॉर्मली देखो, वीडियो शूट करो। तो अभी मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ टिकट लिया था मैंने 100-150 रुपये समथिंग। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, 100 से लेके 50 से लेके 200 रुपये,
यही टिकट लगेगा हर जगह यहाँ पे, 50 से 200 के बीच का टिकट। तो मैं जब हवा महल के अंदर गया तो अभी आप हवा महल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए। तो ये तो बेचारा बंद पड़ा था इसलिए थोड़ी सी ब्यूटी यहाँ पे ख़राब हो गई थी। हवा महल इसको इसलिए बोला जाता है भाई, यहाँ पे कोई भी वैसे खास खिड़की दरवाज़ा है नहीं, सारे के सारे ओपन है, हवा चली रहती है, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, दाएं जाओ बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखो खिड़कियों से हवा घुसती रहती है, इसलिए इसको हवा महल बोलते हैं। कोई ये महल हवा में नहीं है, जो कि बंदों में रूमर रहता है ना कि यार हवा महल है वो हवा में, ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग। दरअसल यहाँ पे हवा के बहुत से सोर्स हैं, आप कहीं पे भी जाओगे आपको हवा के लिए एक ना एक छेद या खिड़की मिल ही जाएगी, इसलिए इसको हवा महल बोलते हैं। तो ये रीज़न था हवा महल कहलाने का इसको। तो ये अभी इस वीडियो का आखिरी एंडिंग पार्ट था, तो वॉइस डब ओवर मैंने इसलिए किया था ताकि आप लोगों को पता लग सके कि यहाँ पे क्या परेशानियाँ दिक्कत आती हैं। सबसे बेटर रहेगा भाई अगर आपके पास अपना व्हीकल है ना, सबसे बेटर है, नहीं तो भाई अपनी बाइक हायर करो, यहाँ पर बाइक भी हायर होती है, बट मैं तो अपनी गाड़ी लेके गया था इसलिए मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। अगर आपको हवा महल और आपका जंतर मंतर, और अगर आपको सिटी पैलेस जाना है ना भाई, वहीं पे जो आपकी महारानी, जो आपका महारानी वाला वो है ना मंदिर, जो महारानी मार्केट है, और जो आपका श्री राधे गोविंद मंदिर है भाई, वहीं पे गाड़ी खड़ी करो, महारानी मार्केट घूमो, लेना मत कुछ भी, उसके बाद आप जाओगे श्री राधे मंदिर। लेकिन वहाँ टाइम से पहुँच जाना भाई, तकरीबन 8:30-8:30 बजे पहुँच जाना, नहीं तो वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपका काम है श्री राधे मंदिर से निकल के बस आपने राइट टर्न लेना, सीधे चले जाना, सीधे आप जाओगे आपको सिटी पैलेस आएगा। जो झंडे आपको आई थिंक बादल झील और कौन सी झील सबसे शुरू में बताई थी, उस झील के पास से आपको सामने जो गेट दिखाई देता है वो सिटी पैलेस का है। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले जाना है जंतर मंतर चले जाओ, उसके बाद सिटी पैलेस चले जाओ, उसके बाद भाई आप सीधा वहाँ से आउट सड़क मेन रोड पर आओ, मेन रोड से राइट लो, टोटली 5 मिनट लगेंगे आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए, आप हवा महल में घुस जाओगे। तो ये भाई हवा महल था यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कार है ना भाई, तो कोशिश ये करना कि गाड़ी को आप रूम पे खड़ा कर दो, 10-20 रुपए देकर आप एक बार महारानी मार्केट या फिर श्री राधे गोविंद मंदिर या फिर मेन रूट जो कि हवा महल तक पहुंचता है यहाँ पहुंच जाओ गाड़ी का, क्योंकि जो अंदर के रूट है ना भाई बहुत ही ज़िगज़ैग है, बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे गाड़ी को निकालने की, एंड आपको पता ही है प्लेन इलाके का ड्राइवर कैसे होते हैं। तो भाई मेन चीज़ ये कि गाइड पे पैसे मत खर्चना बिल्कुल भी, एक्स्ट्रा पैसे मत खर्चना, नहीं तो आपका 500-600 रुपये ऐसे उड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बहुत पीछे पड़ेंगे बंदे। कोई जरूरत नहीं मुँह लगाने की, अपन रास्ते से आप सीधे चलते रहो, गूगल का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। एंड ये था हवा महल, वो अभी यहाँ पे वीडियो एंड होने वाली है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा भाई वो रहेगा आपका जितने भी यहाँ पे 3 फोर्ट मैंने खास घूमे थे, और वहाँ पे एक कुंड भी है बहुत अच्छा लग रहा है। तो फोर्ट का वीडियो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में किया। एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो आप कहीं धोखा नहीं खाओगे जयपुर जाकर कि हाँ भाई जयपुर में कैसे जाए कहाँ जाए, तो आपको मैंने जेन्युइन सा बता दिया कि आपको कहाँ से कहाँ पे जाना, ये 3-4 चीज़ें एक साथ है। हाँ थोड़ा जल महल दूर है मैं तो, जल महल दूर है भाई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको जल महल जाना ना, तो मेरा मानना तो ये है कि आप दूसरे दिन जब आप फोर्ट के लिए जाओगे तो आप जल महल जाएं, क्योंकि जल महल उसी रास्ते में बीच में पड़ता है जहाँ से आपको उन 3 फोर्ट्स पे जाना है। तो वो मैं आपको तब क्लियर कर दूंगा जब मैं अगला व्लॉग जो मेरा इसका होने वाला है वो डालने वाला हूँ। एंड मैं तो यहाँ पे अपना कोरोना का टाइम पर ही गया था, एंड उस टाइम काफ़ी दिक्कत चल रही थी कोरोना के टाइम पे, तो भाई यहाँ पे 7 बजे शाम को मार्केट पूरी क्लोज़ हो जाती थी, खाने पीने के लिए टाइम से ले लेना। एंड जिस होटल में मैं रुका था, होटल शिविर, वहाँ का खाना बिल्कुल भी सही नहीं था, रूम सस्ते पड़े थे भाई, 3 दिन रुका था, 1500-1600 में मेरा पूरा सर गया था, लेकिन भाई खाने पीने का वहाँ सिस्टम बिल्कुल ही बेकार था, 0 था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, सामने आपको फोर्ट दिखाई दे रहे होंगे अभी। एंड ये पूरा सिनारियो था भाई, जल महल, हवा महल, एंड देन ये साथ में देखो आपको अगर पिछली साइड दिखाई दे रहा होगा तो जंतर मंतर का भी टॉप दिखाई दिया था जो सबसे बड़ा वहाँ पर एक स्टैचू टाइप सा है। तो इतना पागल नहीं होना यहाँ पे जाके कि जयपुर में मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, आप सिटी पैलेस पहुँच गए ना तो आप ये सारी जगह घूम लोगे। बस जल महल थोड़ा सा साइड में पड़ता है, वो तो आप, और जल महल जो वैक्स स्टूडियो था वो भी थोड़ा साइड में पड़ता है, वो वैक्स स्टूडियो जाओ फिर जल महल चले जाओ, वो दोनों साइड साथ में बिल्कुल साइड बाई साइड है। तो ये था भाई पूरा का पूरा व्लॉग आज का, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इसके बाद अभी आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि 3 के 3 महल होने वाले हैं, वो भी काफ़ी थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, डिटेल में बना रखी है भाई, इसलिए वीडियो बड़ी बनी है। एंड अभी यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ और सीधा रूम में गया था इसके बाद मैं, क्योंकि काफ़ी थक गया था चल चल के। सो भाई ये था आपका हवा महल, जो हवा में नहीं है बट यहाँ पे हवा ही हवा है हर जगह से। इसी के साथ आपको नीचे मार्केट मिलेगी हवा महल के नीचे, जहाँ पे आपको जूती, चुन्नियाँ, कपड़े, दुपट्टा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, एंड सारे के सारे अच्छे रेट पे हैं, बिल्कुल सही रेट है, मतलब कोई ऐसा ज़्यादा रेट नहीं था कि आप दे ना सके, और बंदे मान जाते हैं यार भाई, बातचीत करो उनसे, थोड़ा सा मस्का लगाओ यार, वो बंदे मान जाते हैं, तो मतलब चलो 100-150 तो उनको भी कमाना है, लेकिन वो मान जाते हैं यार। एंड ये था अभी का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, खुदा हाफिज़।
क्योंकि भाई आज का मेरा पूरा एक्सपीरियंस दिन का आप लोगों ने जैसा कि मेरे वॉइस डब ओवर में सुन ही लिया होगा। तो जो जो मैंने आपको हिदायतें आपको कमियां पेशी जो कुछ भी मैंने आपको बता रखा भाई उन पे पूरा ध्यान देना क्योंकि वो आपको बहुत फायदा देंगे अगर आप लोग जयपुर विजिट करते हो। एंड सेकंड वन थिंग चलो जो मेरा था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एंड जो मेरा कल का प्लान रहने वाला है वो है मेरे तीन जो यहाँ के सॉरी तीन मेन फोर्ट है यहाँ पे। सबसे पहले नाहरगढ़, सेकंड वन जयगढ़ एंड थर्ड वन है आमेर फोर्ट। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि अगर आप देखोगे विजुअली तो सबसे नज़दीक आपको दिखाई देगा यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट, लेकिन सबसे दूर यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट ही है। तो सबसे पहले मैं तो जाऊँगा नाहरगढ़ फोर्ट में एंड उसके बाद जाऊँगा मैं जयगढ़ फोर्ट एंड देन आमेर फोर्ट। लेकिन वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ क्या रहने वाला है वो आपको मैं वॉइस ओवर में पूरा क्लियरली बता दूंगा, उस चीज़ पे थोड़ा गौर करना। एंड बाकी फिर आपको शाम को मिलता हूँ जाने से पहले। एंड तब तक के लिए सो जाओ सारे के सारे।